हेलो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के आपके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 17 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल 160 प्लस क्वेश्चंस हैं यहां पर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है किस लेवल का पूछ रहा है तो जिनका आगे शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखें और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है जिनको भी दिक्कत हो रही है आपके जीके में या नूमेरिकल्स में वो लोग ये हमारी जो ग्रुप डी पैकेज है इसको परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है ऑफ़र चल रहा है तीन सौ का कॉस्ट प्राइज़ है इसका सिर्फ आपको नाइन्टी में मिल जाएंगी पाँच ई बुक्स मिलेंगी जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस की बुक है यहाँ से आप देख सकते हैं नूमेरिकल्स की ई बुक है करंट अफेयर्स है और आपके बहुत सारे जो हैं बुक्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं आप लोग के लिए तो ये बुक बहुत ज़्यादा यूज़फ़ुल है इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो इतने सस्ते में आपको इतनी सारी ई e बुक्स कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ग्रुप डी में लगभग नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने अपडेट किया है बुक क्वेश्चन को देखते हुए एनालिसिस किया था तो हम लोग ने बुक को अपडेट किया कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है तो आप लोग इस बुक को कंसिडर कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं आज का सेशन अपना पूछा गया था कि आई पी में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं तो आई से आपके दो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक बार आप लोग आई का सेशन जरूर देख लीजिएगा तो उससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं तो आई 2022 में सबसे ज़्यादा रन जॉस बटलर ने बनाए थे ऑरेंज कैप इन्हें मिला था नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जमुनानगर में किस मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना की तो आयुष मंत्रालय ने डब्ल्यू एच ओ के साथ मिलकर जमुनानगर में पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना करी है यानी ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जमुनानगर में पूछा था इंडोनेशिया का नया कैपिटल नेम क्या है इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो कौन सी है नौ संतारा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए बदले हुए नाम से क्वेश्चन लगभग पाँच क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं टोटल पाँच आपके आगे शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं वैसे ये ज़रूरी नहीं कि हर शिफ्ट में पूछा गया हो पूछा गया था ब्राज़ील के प्रधानमंत्री कौन है तो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री जेर बोल्सनारियो हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वो रेखा शर्मा है जो आपकी नियुक्तियां हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहा इस बार के ग्रुप डी का तो जितनी भी नियुक्तियां हैं आप लोग पढ़ सकते हैं हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है उसमें नियुक्तियों का अलग से एक पूरा टॉपिक दे रखा है तो आप लोग वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं पूछा गया था वर्ष दो तक भारत की साक्षरता दर क्या रही है तो 2021 तक भारत की साक्षरता दर है सतहत्तर परसेंट जिनमें आपकी जो महिलाएं हैं महिलाओं का जो साक्षरता दर कितनी रही है मेल्स की 84 रही है महिलाओं की कितनी रही है 70 परसेंट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन से क्रिकेटर बन गए हैं सबसे कम उम्र के जिन्होंने सौ छक्के लगा दिए है? तो है हैं तो सबसे कम उम्र के ऋषभ पंत हैं जिन्होंने सौ छक्के लगा दिए हैं उसके बाद कौन से राज्य ने नई खेल नीति शुरू करी है 2022 से 27 तक की तो गुजरात सरकार ने एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च करी है तो यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था पी आर श्रीजेस का संबंध किस खेल से है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो रिसेंट के स्पोर्ट्स वाले प्लेयर्स हैं उनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे तो जो आपके पी आर श्रीजेस इनका संबंध किससे है ये हॉकी के गोलकीपर हैं काफ़ी ज़्यादा इनको प्राइज भी दिया गया है उसके बाद 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया था ये पूछा था आपके एग्जाम में आईपीएल से देखिए क्वेश्चंस बने हैं तो पंद्रवा संस्करण आपका 2022 में खेला गया है आईपीएल का नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि मेंस हॉकी एशिया कप पुरुष का किसने जीता है तो पुरुष हॉकी एशिया कप जीता है साउथ कोरिया की टीम ने इस्पोर्ट्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका रहा है ग्रुप डी में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं अवार्ड से लगभग कम पूछे गए लेकिन स्पोर्ट्स से हर शिफ्ट में हर में एक एक दो 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 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बाद आपकी जो योजनाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है योजनाएं ज़रूर पढ़ के जाइएगा पीएम ज्योति जीवन ज्योति बीमा की राशि कितनी होती है जो लोग मर जाते हैं तो दो लाख रुपए है दो बार ही क्वेश्चन रिपीट हो चुका है उसके बाद बोल्समैन मेडल किसे दिया गया है तो दीपक धर को प्रोफेसर दीपक धर है इंडिया के इन्हीं को दिया गया पहली बार उसके बाद कौन सा राज्य एफ में सीर्स पर रहा है यानी कि कौन सा स्टेट एफ में टॉप पर रहा है तो कर्नाटक है एफ होता है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसके बाद पूछा था कि सुरजीत सेनगुप्ता हैं ये फरवरी 2022 में मर गए हैं इनकी जो है कौन से फील्ड से ये रिलेटेड थे कौन से स्पोर्ट्स हैं तो ये एक फ़ुटबॉलर थे सुरजीत सेनगुप्ता ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था उसके बाद मौलाना अब्दुल कजाम कब मौलाना अब्दुल कलाम कब कौन सी यूनिवर्सिटी को दिया गया है तो पंजाब यूनिवर्सिटी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कब दिया गया है उसके बाद इंडियन सुपर लीग 2022 की किसने जीती है तो ये फुटबॉल की लीग होती है इंडिया में तो इंडियन सुपर लीग 2022 की हैदराबाद एफसी ने जीता है नेक्स्ट आपसे पूछा था कि महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा तो देखिए अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है वहाँ से तो दो की मेजबानी इंडिया करेगी पूछा था भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित कार कौन से उसने बनाई है कंपनी ने तो टोटा मिराई ने बनाई है आपकी पहली हाइड्रोजन संचालित कार है जो कि आपके केरला में सबसे पहले लॉन्च करी गई है उसके बाद आपसे पूछा गया था कि आई एस एस एफ में दस मीटर पिस्टल में किसने रजत पदक जीता है यानी कि सिल्वर मेडल तो सौरभ चौधरी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है स्पोर्ट से आप लोग देख सकते हैं कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं नियुक्तियों से देखिए भारत के नए राष्ट्रपति पूछा था द्रौपदी मुर्मू है पूछा था उसके बाद भौतिक में नोबल पुरस्कार 2021 में किसको दिया गया था तो ग्रेग और पेरिसी को दिया गया था आसाम सरकार ने किस योजना को लागू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन किया है तो आसाम ने समझौता ज्ञापन किया भारत सरकार के साथ संहिता एक स्कीम है इसके लिए समझौता किया है उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिकता मंत्रालय किसके पास है वीरेंद्र कुमार जी के पास है तो जितने भी मंत्रालय हैं इसका वीडियो मैंने आपको कराया है आप लोग इसको पढ़ सकते हैं एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके बाद फाइनेंशियल स्कॉलरशिप योजना फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय छात्रवृत्ति योजना कौन सी है तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है तो देखिए स्कीम और योजनाओं से क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जा रहा है महिला दिवस कब मनाया जाता है तो महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है दिवस से क्वेश्चन देखने को हम लोग को मिले थे आई से देखिए क्वेश्चन मिला यहाँ पर आई 2022 में कितनी टीमों ने भाग लिया था आई 2022 में 10 टीमों ने भाग लिया था प्रो कबड्डी लीग के विजेता कौन रहे हैं तो प्रो कबड्डी लीग के विजेता रहे हैं दबंग दिल्ली रहे दो बार ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ये भी रिपीट हो चुका है दो बार आपका क्वेश्चन परम गंगा पूछा था कि कौन से आई यूनिवर्सिटी ने बनाया है तो आई आई टी रोड की करना था आंसर उसके बाद क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि विच सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय आई आई टी रोड की तो वो परम गंगा हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है 2021 में तो 12 लोगों को दिया है और रेसलिंग में पूछा था तो रवि कुमार ढैया को दिया गया है ये जो आपका जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड हैं आपके द्रोणाचार्य अवार्ड हैं जितने भी अवार्ड्स हैं ये सारे आपको हमारी जो हम लोग ने करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की है उसमें आपको सारी चीज़ें अलग से टॉपिक वाइज मिल जाएंगी जितने भी ओपन है जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हु डिफीटेड विक्टर एक्सलेसन इन जर्मन ओपन 2022 तो देखिए जो जर्मन ओपन हुआ था उसमें विक्टर एक्सेलैन को लक्ष्य सेन ने हराया था जो इंडिया के हैं बहुत ही बड़ा काम किया था इन्होंने इनको हराकर क्योंकि विक्टर एक्सेलैन ने दोनों को हराया नोवाक डोकोविच और राफेल नडाल को हराया था तो लक्ष्य सेन ने इनको हरा दिया तो काफ़ी अच्छी बात है उसके बाद आपसे पूछा था कि पी मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ किया था तो मेरठ में किया था कौन सा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उसके बाद पूछा था कि इंडिया की पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्टैब्लिश किया गया है तो ग्राफीन नवाचार केंद्र आपका केरल में स्थापित किया गया है उसके बाद पूछा गया था आपसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स जो रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप हुई थी वो कहाँ आयोजन किया गया था उसका तो मस्कट ओमान में किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 जनवरी में कौन सा स्पोर्ट्स लॉन्च किया गया था या ऑर्गेनाइज किया गया था या आयोजन किया गया था मुंबई और पुणे में तो एफ सी वुमेंस एशियन कप का आयोजन किया गया था मुंबई और पुणे में जनवरी में और उसके विनर कौन रहे थे चाइना प्यार थी इस ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में उसके बाद कौन से राज्य ने भरोसा सेंटर योजना लॉन्च करी है किसके लिए बच्चों के लिए और चिल्ड्रेन के लिए तो वो तेलंगाना की सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्टॉप स्पोर्ट सेंटर का लिए भरोसा योजना शुरू करी है भारतीय मैक्सिकन वैज्ञानिक कौन है जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था पद्म भूषण से तो वो संजय राजा राम हैं तो स्पोर्ट्स और आपका देखिए अवार्ड्स ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं यह आपसे एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछा गया ज़्यादा नहीं पूछा गया आप इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन पूछा था भारतीय सेना ने कौन एंटी गाइडेड मिसाइल के लिए समझौता ज्ञापन किया है किसके साथ मिलकर तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है उसके बाद आपसे पूछा था किस राज्य की सरकार ने बच्चों के लिए अलग बजट आवंटिड करना शुरू किया है तो मध्य सर मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट अलॉट करना शुरू किया है बच्चों के लिए अलग से राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के जो हुए थे उनके उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे तो पीवी सिंधु थी और मनप्रीत सिंह ये हॉकी के प्लेयर मनप्रीत सिंह दोनों ध्वजवाहक थे शुरुआत में ओपनिंग सेरेमनी के उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड कि भारत ने किस कंट्री को हरा कर 2022 का वर्ल्ड कप जीता था ये अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप की बात हो रही जो अभी हुआ था तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर कर ये विश्व कप जीता था पंद्रहें चेयरमैन किसके फाइनेंस कमीशन के तो वित्त आयोग के पंद्रहें अध्यक्ष कौन है तो नंद किशोर सिंह जी हैं कौन से फर्म जो है न्यू फाइनेंस बैंकिंग को एक्वायर करने जा रहा है तो वो ओला है जो कि न्यू फाइनेंस बैंकिंग को एक्वायर करने वाला है उसके बाद कौन 2022 मार्च तक के चीफ जस्टिस थे मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो उमेश उदित उमेश ललित जी थे भारत का पहला, पहला पैरा बैडमिंटन अकेडमी कहाँ स्थापित करने खुलने वाला है या स्थापित होने वाला है तो लखनऊ में उसके बाद पूछा था कि कौन सा गांव जो है कि फ्री ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज बना है यानी कि खुले में शौच मुक्त कौन सा मिजोरम का गांव है वो बना है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जहाँ पर नहीं है उसके बाद पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा दो की मेजबानी करेगा तो कनाडा और मेक्सिको और यू एस मिलकर तीन देश मिलकर 2026 फीफा की मेजबानी करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए स्पोर्ट्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सौवाँ मैच किसने खेला सौवाँ छक्का किसने मारा तो एक हज़ारवाँ मैच किसने खेला ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं तो सौवाँ विकेट अब पूछने वाला है आप लोग देख लीजिएगा सौ विकेट पूछेगा तो आप लोग सौ विकेट करके ज़रूर जाइएगा ये एग्जाम में आपके जरूर पूछेगा तो किस खिलाड़ी ने 2022 में श्रीलंका के खिलाफ अपना सौवा मैच खेला है विराट कोहली जी हैं जिन्होंने अपना सौवा मैच खेला है उसके बाद पवन ऊर्जा में भारत की कितनी रैंकिंग रही है तो चौथी रैंकिंग रही है रैंकिंग और इंडेक्स से क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं स्पोर्ट्स और आपका स्पोर्ट्स ज़्यादा फेवरेट टॉपिक रहा देखिए यहाँ से पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने किस ओलंपिक्स में रद स्वर्ण पदक जीता है तो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 वाला जो था उसमें स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था कौन से कंट्री ने अपना एक हज़ारवा मैच खेला है तो भारत ने अपना एक हज़ारवा मैच खेला है और ये भी पूछा गया था किसके खिलाफ़ खेला है तो वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला है वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा देखिए नितिन गडकरी ने पायलट स्टडी लॉन्च करी हाइड्रोजन व्हीकल के लिए तो कौन सी है ट्योटा मिराई अभी इस पर क्वेश्चन आया था देखिए फिर से इस पर रिपीट हो गया है असिगमा ऐप किसने लॉन्च किया है तो इंडियन आर्मी ने असिगमा इंच असिग्मा ऐप लॉन्च किया है उसके बाद पूछा था कि एयरटेल ने वोडाफोन की कितनी प्रसिद्ध हिस्सेदारी खरीदने का घोषणा करी है तो एयरटेल जो है वोडाफोन की 4.7 परसेंट हिस्सेदारी का भाग अपने खरीद लेगा उसके बाद इंडियन ओपन 2022 का विजेता कौन है तो वो लक्ष्यसेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोग ने बताया था ये एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर उसके बाद आठवां जो इसका टाइटल था उन्नीसवें एशियन ब्लिजर्स चैंपियनशिप का किसने जीता है तो पंकज अडवाणी जी ने जीता है ये क्वेश्चन भी पूछा था कि पंकज अडवाणी ने किसको हरा कर आठवाँ खिताब अपना जीता है तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था क्वेश्चन देखिए इंटर रिलेटेड है रिपीट हो रहे हैं आप लोग इससे क्वेश्चन देखने को आप लोग को जरूर मिलेगा यहाँ से इसीलिए हम लोग ये सेशन आप लोग के लिए लेकर आए हैं उसके बाद है किस देश ने भारत के साथ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया है तो वो नेपाल के साथ भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिट कहाँ हुआ था तो मुंबई में हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कौन से खिलाड़ी को पद्म पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है तो देवेंद्र झाझरिया है इन्हीं को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है उसके बाद नेस्ले ने अपना पहला यूनिट कहाँ खोला है तो कर्नाटक में खोला है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021 में कब मनाया गया था तो 15 मार्च को मनाया गया था जो आपके दिवस और थीम्स हैं इनसे क्वेश्चन कम ही देखने को मिले हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं तो अभी जो आप करंट के हैं ये ज़रूर करके जाइएगा उसके बाद आपसे पूछा था कि फ़ाइनेंस लिटरेसी वीक इसका यानी कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह का विषय क्या था थीम क्या थी तो गो डिजिटल गो सिक्योर तो देखिए मुश्किल से 10-15 आपके थीम्स होंगे थीम्स आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है नेक्स्ट आपसे पूछा था कि पवन ऊर्जा में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है तो तमिलनाडु पवन ऊर्जा में टॉप पर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जियो ने सिक्स जी लॉन्च करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनर करा है साझेदारी करी है तो उलू यूनिवर्सिटी के साथ जियो ने मिलकर सिक्स जी लॉन्च करने के लिए इंडिया में पार्टनर किया है देखिए भारत ने अपना एक हज़ारों मैच किस टीम के खिलाफ खेला है तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला है यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया है दुनिया की बीमा कंपनियों में एल की क्या रैंकिंग है तो बीमा की जो एल की जो कम रैंकिंग रही है इंडिया की एल कंपनी है दुनिया भर में अट्ठानवे रैंकिंग पर रही है उसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र बैंक को किस में मर्ज किया गया है 2022 में तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मर्ज किया गया है ये देखिए दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया ए एफ वुमेन्स एशिया कप दो में जो हुआ था वो कहाँ होस्ट किया गया था मुंबई में किया गया था अब देखिए घुमा के क्वेश्चन आपसे उल्टा पूछ लिया था कि एफ सी मुंबई में कौन सा 2000 जनवरी 2022 में आयोजन किया गया था तो एफ सी वोमेन्स एशिया कप का आयोजन किया गया था इंटर रिलेटेड सारी चीज़ें रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन आएंगे जरूर आपके साथ तो स्मृति जुबीन ईरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू करी है तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया है उसके बाद भारत में उच्चतम एन धारक कौन है अमिताभ बच्चन जी हैं जिनका सबसे ज़्यादा एन होल्डर हैं ये उसके बाद नवंबर 2021 में किस राज्य ने अपनी बाल नीति शुरू करी है तो तमिलनाडु ने चाइल्ड स्टेट चाइल्ड पॉलिसी शुरू करी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीयूष गोयल के बाद जी ट्वेंटी के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया है तो अमिताभ कांत जी हैं जिन्हें जी ट्वेंटी का नया शेरपा बनाया गया है उसके बाद कौन से फिल्म को जूरी प्राइज़ दिया गया है किन्स फिल्म फेस्टिवल 2022 में जॉयलैंड को दिया गया है पुलिटर प्राइस 2022 में फीचर फोटोग्राफी में किसे दिया गया है दानिश सिद्दीकी जी को दिया गया है छप्पनवा जानपीठ अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है नीलमणि फूकन को और सत्तावनवा दामोदर मौजो को दिया गया है दोनों ये आपसे दामोदर मौजो पूछ सकता है नीलमणि फूकन पूछ चुका है उसके बाद आपसे पूछा था कि कितने मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में जो हुए थे भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं तो इकसठ मेडल्स कुल जीत रखे हैं नेक्स्ट आपका पूछा था कि किस भारतीय महिला ने मुक्केबाजी में राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं की पचास किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है तो निखार जरीन है जिन्होंने पचास के बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीत रखा है उसके बाद आपसे पूछा था कि सिंगापुर ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो पीवी सिंधु जी हैं जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है तो गैस आज हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है ये टोटल क्वेश्चंस थे जो अभी तक आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और भी जो पूछे जाएंगे वो हम आपको देते रहेंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा आपको एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तो गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में